Hello students, good morning. Welcome to e-learning class. Today I will teach you unit 6 exercise 6G. Dear student, yesterday we had completed until question number 4. Today we will start question number 5. Find the difference of. हमें difference निकालना है. Difference का मतलब भी क्या होता है? Subtraction करना. Okay? मैंने कल की वीडियो में आपको subtraction करना सिखाया था. बट डिफरेंस का मतलब हमारा क्या होता है? सब्ट्रैक्शन करना. तो हम इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे? 4 अपॉन में 5 माइनस 1 अपॉन में 5. ओके, अब देखो जो डेनोमिनेटर है हमारा दोनों है सेम है, तो हमारा एलसीएम भी क्या आएगा? जो ये दिया हुआ है उसमें से 5 ही आएगा. ओके, मैंने आपको पहले भी करके दिखाया था. देखो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं. 5 का हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है? ये दोनों, तो 5 हमारा किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होता, ओनली 5 से ही होगा. तो 5 से करेंगे, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5. ये एलसीएम हम तब तक निकालते हैं जब तक कि हमारा 1 ना आ जाए. ओके, तो हमारा क्या आ गया एलसीएम? 5 आ गया, इसलिए हमने इसका 5 एलसीएम ले लिया. इन दोनों को क्या करते हैं? डिवाइड. और डिवाइड करके क्या आएगा? 1. और 1 जो आएगा उसको इससे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई. तो क्या आ जाएगा? 4 बन जा 4, माइनस का माइनस. ऐसे ही 5 को 5 से फिर डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 1. और 1 को इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. तो क्या आ जाएगा? 1 बन जा 1. ओके स्टूडेंट्स, वही डिजिट आती है जो ऊपर दी होती है, ठीक है? तो अब हम इसको माइनस करेंगे, क्या आएगा? 4 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 3, और 3 अपॉन में 5. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 अपॉन में 5. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है. 8 अपॉन 15 एंड 7 अपॉन 15, मींस 8 अपॉन 15 में से 7 अपॉन 15 को माइनस करना है, ठीक है? तो 8 अपॉन 15 माइनस 7 अपॉन 15, हम 15 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 15 आएगा, क्योंकि दोनों में डेनोमिनेटर क्या है? सेम है, ठीक है? तो वही डिजिट आ जाएगी, क्योंकि जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1. और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8. ओके, और ये भी सेम ही डिजिट आ जाएगी, 7. तो 8 में से 7 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? 1. और नीचे क्या है? 15. तो आंसर क्या आएगा हमारा? 1 अपॉन में 15. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है. 11 अपॉन में 23 एंड 6 अपॉन में 23. अब इसको भी हमें डिफरेंस निकालना है, मीन्स सब्ट्रैक्शन करना है. तो क्या लिखेंगे? 11 अपॉन में 23 माइनस 6 अपॉन में 23, ठीक है? तो 23 का हम एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 23 ही आएगा, वही ऊपर वाली ही डिजिट आती चली जाएगी, 11 माइनस 6, ठीक है? अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 11 में से 6 गए 5, और 5 अपॉन में 23. इसका क्या आंसर आ जाएगा? 5 अपॉन में 23. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. फिल इन द ब्लैंक सो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. हमें ब्लैंक्स को फिल करना है ताकि जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू हो जाए, ठीक है? अब देखिए बिल्कुल सेम इसी की तरह है, ठीक है? अब इसने क्या बोला है? 9 अपॉन में 14 माइनस 5 अपॉन में 14, बताइए क्या आएगा, ठीक है? अब देखिए 14 का जब एलसीएम निकाला होगा हमने तो क्या आया होगा? 14. तो हमने यहाँ पे 14 लिख दिया, और ऊपर वाले को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, 9 में से 5 गए 4. वेरी इजी. ओके स्टूडेंट, आप इसे डायरेक्ट देखो, यहां आपने डायरेक्ट ही इसका फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व कर दिया, ठीक है? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 13 अपॉन में 16 माइनस 7 अपॉन में 16, ठीक है? अब इसने 13 में से 7 को माइनस करके क्या लिखा है? 6. और 16 का हमने एलसीएम निकाला होगा तो क्या आया होगा? 16 ही आया होगा, ठीक है? बहुत बच्चे गलती करते हैं, जब हम इसको माइनस करते हैं तो साथ की साथ इसको भी माइनस कर देते हैं. भाई 14 में से 14 गया 0. यह हमें माइनस नहीं करना है, इसका तो हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं. जब दो का हम एलसीएम निकालेंगे, जब डेनोमिनेटर दोनों सेम होते हैं तो हमारा वही एलसीएम आ जाता है जो दी होती है, ठीक है? जो डिजिट हमारी दी होती है, तो 14 दिया होता है 14 आ गया, 16 दिया हुआ तो 16 आ गया, ठीक है? 30 दिया हुआ है तो 30 आ गया. ओके स्टूडेंट्स, हमें ऊपर वाली डिजिट को माइनस करना है, नीचे वाली डिजिट को माइनस नहीं करना है, वो हमारा एलसीएम होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है. 8 अपॉन में 15 माइनस, अब हमें डैश यहां दे दिया है, कह रहा है इसने हमें आंसर निकाल के दिया है कि 6 अपॉन में 15 है, ठीक है? देखो मैंने एक पहले भी आपको एक इक्वेशन बताई थी, जैसे मान लो ए माइनस बी के हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है? इज इक्वल टू कुछ भी दे रहा है, जैसे 6 दे रखा है ये, ठीक है? अब a की वैल्यू तो इसने दे रखी है 8, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? b की वैल्यू, ठीक है? जब हम b की वैल्यू निकालेंगे, b को हम इधर ले जाएं,
ठीक है, 8 को हम यहीं छोड़ के माइनस 6 कर दें, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये 6 का जब इधर आएगा, ये प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, मतलब कि हम 8 में से अगर 2 को घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 6 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसने हमसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है भाई, देखो 15 का तो इसने एलसीएम निकाल लिया, तो इसने 15 लिख दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 8 में से कितने माइनस करें कि 6 आ गया होगा, ठीक है। ऐसे एक इक्वेशन मैंने आपको भी पहले भी बताई थी, a माइनस b करके, और आप वैसे भी कर सकते हो, 8 में से कितने घटाएं कि हमारे 6 आ जाए, 8 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 12 अपॉन में 17 माइनस 5 अपॉन में क्या होगा, कि यहाँ पे 7 अपॉन में 17 आ गया होगा, डिनोमिनेटर दोनों सेम रहे होंगे तभी तो हम इसका एलसीएम 17 आ गया, तो यहाँ पे भी क्या रहा होगा, 17 रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।